कक्षा दो की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा दो में हम कर रहे हैं विषय इंग्लिश और पर्यावरण। सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश में आज हम करेंगे यूज ऑफ ही और सी, ही एंड सी, इसके बारे में पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा है, देखो एच ई ही, ही का अर्थ है वह, ही का अर्थ क्या होता है वह। इसका प्रयोग एक वचन पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? पुल्लिंग वर्ड जो होते हैं जो लड़के और पुरुषों के लिए यूज होता है, किसके लिए? लड़कों के लिए और पुरुषों के लिए यानी आदमियों के लिए यूज होता है। फिर है एस एच ई सी, सी का अर्थ भी क्या होता है? वह होता है। क्या होता है? सी का अर्थ भी वह होता है, लेकिन इसका प्रयोग एक वचन स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन के लिए करते हैं। स्त्रीलिंग यानी लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एच ई ही मीन्स वह, इसका प्रयोग पुल्लिंग यानी लड़कों और पुरुषों के लिए। एस एच ई सी, सी मीन्स भी क्या होता है? वह, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए होता है? लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए। जैसे मैंने लिखा वह मोहन है, वह मोहन है। अब देखिए मोहन क्या है, लड़का या लड़की है? लड़का है। क्या है? लड़का है। लड़का यानी पुल्लिंग वर्ड है ये। कौन सा शब्द है ये? पुल्लिंग शब्द है। तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? ही का, यानी वह आया हुआ है तो एच ई ही। फिर आई एस इच, ही इच मोहन, यानी वह मोहन है। तो मोहन क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द हुआ। क्या हुआ? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा? ही का प्रयोग होगा। फिर मैंने इसी प्रकार का दूसरा वाक्य लिखा, वह रानी है, यानी रानी कौन है? लड़की का नाम है। क्या है? रानी लड़की का नाम है। और लड़की क्या होती है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। और इसके लिए वह के लिए एस एच ई सी का प्रयोग करते हैं। तो वह एस एच ई सी एच आर ए एन आई रानी, सी एच रानी। इसी प्रकार वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो देखिए लड़के के बारे में बात हो रही है तो पुल्लिंग शब्द हुआ, तो किसका प्रयोग होगा? एच ई ही। तो एच ई ही एच ए बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अब इसी प्रकार का वाक्य, वह एक लड़की है, वह एक लड़की है। तो लड़की स्त्रीलिंग का वाक्य है, इसके लिए किसका प्रयोग होगा? एस एच ई सी, एस एच ई सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। वह एक छात्र है, वह एक छात्र है। अब देखिए छात्र यानी लड़का है, अगर छात्रा होती तो क्या होती? लड़की होती। क्या होती? लड़की होती। लेकिन छात्र है तो लड़का है, लड़का है तो कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसके लिए एच ई ही का प्रयोग, एच ई ही एच ए स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, ही
इज ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। फिर वह मेरी माता जी है। माता जी मीन्स माता जी को क्या बोलते हैं, तो मदर, MOTHER, मदर, मदर मीन्स माता। और ये क्या, कौन सा शब्द है, ये स्त्रीलिंग का शब्द है। तो मिस माता जी क्या है, महिला है, महिला कौन सा शब्द हुआ, स्त्रीलिंग। और इसके लिए सी का प्रयोग, इसका प्रयोग सी का। तो इसका वाक्य बनेगा सी इज माई मदर, MOTHER, मदर। तो देखिए हमने पढ़ा ही और सी के शब्दों के बारे में। ही मीन्स भी वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन ही का प्रयोग पुल्लिंग शब्द के लिए होता है जो लड़के और पुरुषों के लिए यूज होता है। सी का अर्थ और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है जो लड़कियों और महिलाओं के लिए होता है। इसको पढ़िए, इन एग्जाम्पल को समझिए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। फिर विषय पर्यावरण, इसमें हम कर रहे थे लेसन भोजन व जल के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसके ऊपर दो प्रश्न मैंने लिखे हैं जिनके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भोजन से हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, विभिन्न कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन से हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, पौधों के विभिन्न भागों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे, पौधों से हमें फल सब्जियां अनाज व दालें प्राप्त होती है। तो इन दो प्रश्न हैं, इनको कॉपी में उतारिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।